तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि दोस्तों 5G के अपडेट के बारे में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप थंबनेल देख सकते हैं कि हरियाणा के साथ साथ दूसरे सभी राज्यों के अंदर भी आपको 5G देखने को मिलेगा। दोस्तों आपको सबसे पहले पता है कि कुछ गिने चुने शहरों के अंदर ही सबसे पहले 5G की टेस्टिंग हुई थी, जैसे दिल्ली, मुंबई हो गया, ठीक है, चेन्नई हो गया, कोलकाता हो गया। ठीक है, तो दोस्तों इसके बाद हर जगह जो 5G की टेस्टिंग होना शुरू हो गई है। ठीक है दोस्तों, तो मैं हरियाणा के साथ दूसरे राज्यों को कनेक्ट करके ये वाली अपडेट आपको देने वाला हूँ। अगर हरियाणा में आ गए तो दोस्तों मुझे लगता है हर किसी राज्य के अंदर आ गया है। ठीक है, सभी सिटीज की अपडेट देने वाला हूँ। तो दोस्तों सभी के बारे में बताने वाला हूँ, वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल और BSNL के। ठीक है, इसके अंदर बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले एक रहूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल पर जरूर मिलेगी। ठीक है, आगे भी अगर कोई अपडेट आएगी तो आपको सबसे पहले पहुंच जाएगी। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब बात कर लेते हैं अपडेट की तरफ। ठीक है दोस्तों, एक गैजेट्स नाउ का आर्टिकल है। सबसे पहले बात कर लेते हैं, एयरटेल में 5G सर्विस रेडी हो गई है और हरियाणा के अंदर भी। देखिए दोस्तों, हरियाणा के अंदर यहाँ पे आपको सिटी देखने को मिलेंगे दोस्तों, अम्बाला, करनाल, सोनीपत, यमुनानगर और भादरकोट। ठीक है, यहाँ पर एयरटेल की सर्विस आपको देखने को मिलेगी दोस्तों, और किन्नी डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी हो गई है दोस्तों। और एक ये बात हो रहा है कि एयरटेल के अंदर या कोई भी सिम हो, आपको 5G सिम के लिए कोई भी न्यू सिम लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, वो 4G सिम है वही 5G के अंदर आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। अभी 4G फोन्स के अंदर 5G सिम सपोर्ट नहीं कर रही है, ये अभी फिलहाल 5G के अंदर है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, 4G फोन्स के अंदर सपोर्ट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, क्योंकि अभी तो ये टेस्टिंग चल रही है। अब जियो की बात कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, 5G सर्विसेज, ठीक है, हरियाणा टेलीकॉम सर्कल, और यहाँ पे देखिए दोस्तों जियो का नेटवर्क आपको बहुत बड़ा देखने को मिल सकता है, यही अम्बाला, पानीपत, रोहतक, हिसार, सिरसा, करनाल, सोनीपत एंड बहादुरगढ़। ठीक है, यहाँ पे गुरुग्राम, फरीदाबाद, ठीक है, साथ में दिल्ली, पंजाब, यहाँ पे दोस्तों आपको जियो का बहुत बड़ा नेटवर्क देखने को मिलेगा। जियो ने अपने अंदर 50 सिटीज को रखा था, ठीक है, लगभग, और फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे इन्होंने हर स्टेट को साथ में लिया है। देखिए दोस्तों, आंध्र प्रदेश, आसाम, ये सभी इन स्टेट्स का यहाँ पर आपको नाम देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब। ठीक है, जियो का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगा। जियो के 5G नेटवर्क के अंदर टोटल 184 सिटीज हो गए हैं दोस्तों। ठीक है, 17 यहाँ पे स्टेट्स हैं और पहले 50 जो एडिशनल सिटीज ऐड किए गए थे दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों। दोस्तों अब बात कर लेते हैं VI की, जो 5G अपडेट क्या है। दोस्तों VI के अंदर 5G आने में बहुत थोड़ा सा समय लगेगा। सबसे पहले जियो ले आ गया है, एयरटेल ले आया है, अभी VI के अंदर नहीं आ पा रहा है। ठीक है, VI में थोड़ा टाइम और लगेगा दोस्तों। और VI की देखिए दोस्तों 5G सर्विस मेट्रोला कंपनी के साथ इन्होंने साझेदारी की है दोस्तों। ठीक है, तो मुझे लग रहा है VI भी अब जल्दी ही अपना जो 5G सर्विस है वो ले आएगी। दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियो देखी तो आप अपने स्टेट का, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर लिख दे। ठीक है, आप कौन से डिस्ट्रिक्ट या स्टेट से हो। तो दोस्तों मैं फिलहाल हरियाणा स्टेट से हूं और महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हूं। यहां पे देखिए दोस्तों, ये मेरे दोस्त का स्क्रीनशॉट था, ठीक है, उसने भेजा था कि बोला यार 5G आ गया अपने एरिया में, तो मैंने भी सोचा क्यों नहीं कि इस वीडियो बना दूँ। बोल रहा था कि मेरी जियो की सिम और जियो ही सबसे पहले। देखिए दोस्तों, हरियाणा के अंदर यहाँ पे महेंद्रगढ़ के अंदर अगर जियो की 5G सर्विस शुरू हो गई है, ठीक है दोस्तों, अब फिलहाल आप सोच देख सकते हो यहाँ पर सर्विस स्टार्ट हो गई है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, बट यूट्यूब वगैरह अगर और कुछ चलाते तो चल नहीं रहा। ठीक है, फिलहाल मुझे लग रहा है अब अगर हरियाणा के अंदर हमारे डिस्ट्रिक्ट के पास भी पहुँच गए तो लगभग जियो का तो प्लेटफॉर्म हर जगह पहुँच ही गया होगा। ठीक है, और मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द यहाँ पे 5G सर्विस एकदम दौड़ने वाली है। ठीक है, तो दोस्तों यही एक अपडेट देने थी, और अगर मान लीजिए आगे कोई और अपडेट मिलती है तो मैं आपको वीडियो बना के बना दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, BSNL के ऊपर भी वीडियो बना देंगे। ठीक है, कमेंट करोगे तो कि BSNL के अंदर 5G सर्विसेज कब आ रहे हैं। ठीक है, अभी भी वहाँ पे 4G में चल रहा है, 4G का 3G की स्पीड चल रही है यार। तो फिर मिलता है आपको किसी ना किसी नए वीडियो के साथ। दोस्तों टेक्निकल कंटेंट हमारे चैनल पर अपलोड है, एक बार चैनल जरूर विजिट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।